मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। और से आना चाहिए, बन के आना चाहिए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला। सोई हुए भागो हे नाथ जगाओ। मेरी नाव भंवर डोले नहीं, मेरी नाव भंवर की चल बजाओ। दाना दाना मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपो तेरी, कहीं दिल से भुला दे। एक बार धीरे 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 दोनों हाथों को सभी लोग उठाएं। एक दो देखिए, कई लोग कहते होंगे कि प्रकाश जी बार बार हाथ उठवाते हो, थारे मारे कोई आटो थोड़ी लार ले भौरो। पर
परंतु ताली और जयकारे से आप पर मेरा मन मिल जाएगा, क्योंकि उमस है, अभी आपका शरीर उमस में खोया हुआ है, उससे निकल जाओ। दोनों हाथों को उठा के गुरुदेव सजा करके, गुरुदेव सजा करके, गुरुदेव करके मुझको अपना लेना। अंत में पापी या कपटी हूं, जैसा भी हूं तेरा हूं, पापी या कपटी हूं, जैसा भी हूं तेरा ए नाथ बोला ना मुझे। बहुत सुंदर बात है जी कि हम गुनेगार लोग हैं, हम गुनाहगार हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो गुनेगार हूं ही नहीं। मेरे हिसाब से दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने कभी न कभी गुनाह ना किया हो। तो फिर भी कई लोग कहेंगे कि हमने तो गुनाह किया ही नहीं। जैन समाज के कल पर्युषण समाप्त हुए और कल हमने एक दूसरे को मिच्छा में दुकड़म कहा होगा, खम्मत कामड़ा। 365 दिन पर्यंत यदि हमने अपने मन में भी कोई कुविचार लाया तो उसको भी हम गुनाह ही कहेंगे। लेकिन मुक्त होने का स्थान कहां है? गुरु के चरणों में। तो कहा पापी पापिया कपटी हूं, जैसा भी हूं तेरा हे नाथ बोला ना मुझे। तेरे चरणों का चेला हूं, तेरे दर का, तेरे दर का, तेरे दर का, तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, 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 मुझको अपना लेना। ओ
बोली सतगुरुदेव महाराज की।